अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। वेलकम एक बार फिर एमक्यू क्विज़ में। तो आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त एक इवनिंग स्नैक जो कि डिफरेंट है और खाने में भी बहुत ज़्यादा जायकेदार होगा। तो आप लोग ने लाजमी इसको ट्राई करना और जो है मेरी रेसिपी फुल वॉच करना है। तो चलते हैं, अब इसको हम बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक आलू। आलू जो है बड़े साइज़ का है तो इसको मैंने पिल ऑफ कर लिया था। साथ में जो है इसको हम क्रश करेंगे, यानी कि बारीक बारीक लच्छेदार हमने इसको बनाना है। तो इसको जो है हम कद्दूकश में जो है इसको क्रश कर लेंगे इस तरह से कुछ। उसके साथ जो है हमारे पास हाफ गाजर है तो इसको भी हम कर लेंगे। साथ में हमने ऐड करनी है शिमला मिर्च 1 टेबल स्पून के बराबर। शिमला मिर्च से बहुत अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस होता है। उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे एक ग्रीन चिली दरमियानी, उसको भी बारीक चॉप कर लीजिएगा। साथ में जाएगा कोरिएंडर, हरा धनिया। अच्छा, प्याज इसमें हमने ऐड नहीं करनी है। उसके बाद जो है इसमें जाएंगे सारे स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई मिर्चें, यानी कि क्रश चिली पाउडर 1 टीस्पून। नमक डालेंगे हसब ज़रूरत। साथ ही इसमें जाएगा भुना कोटा ज़ीरा, अगर पिसा हुआ ज़ीरा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और 1 पिंच हल्दी। उसके बाद जो इसमें जाएगा भुना कोटा साबुत धनिया, इसको जो है हाथ से जो है हम मसल के ऐड करेंगे। बहुत अच्छे से इसका टेस्ट आता है। लास्ट में जो है हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बेसन। और अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को आपस में कंबाइन कर लेंगे, यानी कि मिला लेंगे। अगर हाथ की मदद से मिला सकते हैं तो आप हाथ की मदद से मिला लें, नहीं तो स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें जो है अब हम ऐड करेंगे 1/2 कप वाटर। इसको हमने बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखना, ठीक ही रखना है, बैटर सा बनाना है। एक ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो है हमने ऐड करना है 2 टेबल स्पून मैदा। बैटर जो है हमारा रेडी हो गया है तकरीबन, अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इसको कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे सूजी। यहाँ पर मैंने 1/2 कप सूजी ले ली थी। अब हम थोड़ा सा बैटर लेंगे अपने हाथों पे, इसको थोड़ा सा राउंड शेप देंगे या कोई भी आप लोग शेप दे सकते हैं, और सूजी की हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे हल्की सी। उसके बाद जो है ऑयल हमने गरम करने रख दिया था, शेलो फ्राई करेंगे हम 1 बाय 1 करके अपने स्नैक जो है पोटैटो स्नैक वो ऐड करते रहेंगे। तो इसको हर थोड़ी देर बाद हमने टर्न ऑफ करना है ताकि ये बहुत अच्छा सा कलर आए इसमें और ये टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि इसके बाद सूजी की कोटिंग हुई हुई है जिससे ये ठीक हो जाएंगे। ऊपर से बहुत क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे। तो आप लोग पूरी रेसिपी देखिएगा और मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लाजमी इसको बनाएं और मुझे DM करिएगा इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम जो है सेम नेम से ही MQ कुकिंग।
फाइनली ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और एक बेस हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। पोटैटो इवनिंग स्नैक हमारे बिल्कुल तैयार है। आप लोग देख सकते हैं अंदर से सॉफ्ट हैं बिल्कुल और ऊपर से जो है क्रिस्पी है। बहुत ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हुई है सूजी की। तो आप लोग भी बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसे बने। आप मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।